गाइस वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर दबाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे लिस्ट बने हैं। फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये दो लिस्ट पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स बाय शेयर ऑन डिप्स ब्लू चिप स्टॉक। तो फ्रेंड्स अगर आप शेयर को बाय करना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है, आप कन्फर्म नहीं कर पाते, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से जाकर के आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने स्टॉक के साथ साथ आपको कंफर्म भी बताया है, आपको कंफर्म किया है कि आप शेयर को बाय कर सकते हैं या नहीं। ये फ्रेंड्स बाय ऑन डिप्स के लिए है। तो फ्रेंड्स स्विंग ट्रेड के लिए भी ऐसा ही है। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप इसमें सेकंड वाले प्ले लिस्ट में जाकर के आप स्विंग ट्रेड को चूज कर सकते हैं। आपको जो फ्रेंड्स आपको कन्फर्म लगे आप उस शेयर को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज मैं आपके साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हम इसमें देखेंगे इसने आज का जो ट्रेंड है वो बुलिश बनाया है या फिर बेयरिश। अगर बुलिश बनाया है तो इसने कितने परसेंटेज तक गेन किया है, कितना रिटर्न्स दिया है। अगर बेयरिश बनाया है तो कितने परसेंट तक ये नीचे गया है। और अगर कल का जो मार्केट ओपन होता है तो उसमें वो बेयरिश ट्रेंड बनाता है या फिर बुलिश, हम इसमें ये देखेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स ओपन लो हाई और क्लोज में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर सेकंड में फ्रेंड्स आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फ्रेंड्स रियल चार्ट पे लगाकर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नंबर थर्ड में फ्रेंड्स आपके साथ मैं मूविंग एवरेज 50 डे का, 100 डे का, 200 डे का मैं आपके साथ मूविंग एवरेज लगा करके डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर फोर में फ्रेंड्स आरएसआई में बाय का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल का सिग्नल दे रहा है, इसमें मैं अभी आप क्लियर किया हूँ आपके साथ। नंबर फाइव में फ्रेंड्स एमएससीडी। तो फ्रेंड्स अगर अगले दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो एमएससीडी हमें बाय का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल का, यानी कि हमें ये बुलिश ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है या फिर बेयरिश ट्रेंड का। फ्रेंड्स आप इसका आज का ओपन प्राइस देख सकते हैं 5259 का रहा है। और फ्रेंड्स इसने आज का हाई भी 5259 का बनाया है। इसका लो देखते हैं तो इसने आज का लो दिया है 4920 का और फ्रेंड्स इसने आज का क्लोजिंग दिया है 4962 का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने -5.87% तक का डाउन फ्रेंड्स इसने आज का किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने वन डे के कैंडल के साथ बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स आज इसने बेयरिश ट्रेंड बनाया है फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स -5.87% से डाउन में चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसने बेयरिश बनाया, अगर इसी तरह ये फ्रेंड्स आगे बढ़ता है तो फ्रेंड्स इसका सपोर्ट हो जाएगा, फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 4999 का। और फ्रेंड्स अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो इसका फ्रेंड्स सेकंड सपोर्ट हो सकता है 4730 का। अगर बाय चांस फ्रेंड्स अगर यहां से ये बुलिश ट्रेंड बनाता है तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट टारगेट यानी कि फर्स्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा 5476 का। अगर फ्रेंड्स इसको भी ब्रेकआउट करके अगर आगे बढ़ता है तो इसका सेकंड सपोर्ट हो जाएगा 5609 का। और फ्रेंड्स आगे आप थर्ड टारगेट देख सकते हैं। आज का जो कैंडल है वो बेयरिश ही बनाया है और ये भी फ्रेंड्स बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है। फ्रेंड्स अगर मूविंग एवरेज से देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ब्लू वाला लाइन है ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो येलो कलर का लाइन है ये 100 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड वाला लाइन है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए यहाँ से 100 के मूविंग एवरेज को टच कर गया। फ्रेंड्स अगर ये यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फ्रेंड्स ये 200 डे के मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट बना सकता है। गाइस हम आरएसआई से समझते हैं तो देखिए मैंने आरएसआई लगा रखा है फ्रेंड्स, ये आरएसआई का ग्राफ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आरएसआई जो है अभी हमें सेल का सिग्नल ही दे रहा है। फ्रेंड्स इसने हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था, आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बनाया रखा है एक, तो इसने हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था पर ये फ्रेंड्स तुरंत से बेयरिश कैंडल बनाते हुए हमें सेल का सिग्नल दिया है। तो फ्रेंड्स आरएसआई को देखकर कहा नहीं जा सकता कि अभी यहाँ से बुलिश हो सकता है या फिर बेयरिश ही रहेगा। फ्रेंड्स अभी जो है ये बेयरिश ट्रेंड में ही चल रहा है और आरएसआई जो है अभी बहुत नीचे चल रहा है। फ्रेंड्स आरएसआई अभी हमें बाय का सिग्नल नहीं दे रहा है तो जल्दबाजी ना करते हुए अभी बाय ना करें। फ्रेंड्स अगर एमएससीडी से देखते हैं तो एमएससीडी हमें क्या कहता है, अभी ये बेयरिश ट्रेंड में रहेगा या फिर बुलिश ट्रेंड बनाने वाला है। फ्रेंड्स एमएससीडी को देखकर हमें लगता है कि अभी ये बेयरिश ट्रेंड में ही चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें बाय करने का सिग्नल नहीं दे रहा दिया है, अभी हमें यह सेल का सिग्नल नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एमएससीडी हमें लेट सिग्नल देता है, इसलिए हम इसको 4 आवर में लगाकर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये 4 आवर में मैंने लगा दिया है, देखिए फ्रेंड्स ये 4 आवर में भी ये हमें अभी सेल का ही सिग्नल दे रहा है, बाय करने का सिग्नल नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स अभी आप बाय ना करें, थोड़ा वेट करें एमएससीडी के क्लियर होने तक, अगर बाय करना हो तो आपको। लेकिन फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये अभी बेयरिश ट्रेंड में ही चल रहा है, एमएससीडी को देखकर ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स अभी बेयरिश ट्रेंड में ही चल सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स नए नए वीडियोस लगातार आ रहे हैं और फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस
मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।